Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are absolutely fine. लास्ट वाले व्लॉग में आपने मेरी जर्नी देखी इंडिया टू नेपाल. मैंने उसमें दिखाया कि कैसे आप जर्नी कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास और कितना स्मूथ है बॉर्डर क्रॉसिंग नेपाल और इंडिया के बीच. सो जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल पर जाएं, वो व्लॉग देखें. और जितने लोगों ने व्लॉग देखा है, आई एम ग्लैड कि यू आर हेयर. सो लास्ट वाले व्लॉग को एंड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो जर्नी है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं नेपाल क्यों जा रहा हूँ, उसका आंसर मैं इस व्लॉग में देने वाला हूँ. सो मुझे पता है बहुत से लोग एक्साइटेड होंगे कि मैं नेपाल क्यों आया हूँ और पोखरा क्यों आया हूँ और कितने दिन का प्लान है, वो सब मैं शेयर करूँगा. बिफोर दैट मैं चाहता हूँ एक बार मैं हल्का सा ब्रीफ दे दूँ आपको लास्ट वाले व्लॉग का, तो जितने लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा इसमें वीडियो को समझ सकते हैं, और जितने लोगों ने देखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा. बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे इंस्टाग्राम पे कि पासपोर्ट रिक्वायर्ड है इंडियंस के लिए या नहीं, क्योंकि उनके डाउट्स थे. सो पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड से भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं. मेरे पास पासपोर्ट भी था बट मैंने उनको आधार कार्ड शो किया और आधार कार्ड का उन्होंने सिर्फ फोटो क्लिक किया, नंबर लिखा एंड दैट्स इट, और कोई क्वेश्चन नहीं. बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत स्मूथ था, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ एंड जस्ट मैंने अपनी आईडी शो की एंड दैट्स इट. बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको सिम मिल जाएगा, करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स मिल जाएंगे. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंडियन साइड पे बहुत सारे स्कैमर्स रहते हैं जो आपको ट्राई करेंगे कि आपको करेंसी ज़्यादा दें या कम दें या सही रेट पे दें, बट उनके चक्कर में मत पड़िएगा, बॉर्डर क्रॉस करिएगा. देन बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पर कई सारे करेंसी काउंटर मिल जाएंगे, वहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करा लीजिएगा. सजेस्ट मैं आपको यही करूँगा कि जितना भी आपको करेंसी एक्सचेंज कराना है आप वहाँ पर आप करा सकते हैं. दूसरी चीज़ सिम की, सिम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बॉर्डर पर ही ले लें, थोड़ा आपको कन्वीनियंट रह जाएगा. जो कॉस्ट है सिटी में सिम का वो है 200 रुपीज़. एनसेल बहुत पॉपुलर सिम है यहाँ पर, एनसेल आप ले सकते हैं. अगर आप दूसरे सिम को लेना चाहते हैं आप दूसरे सिम को ले सकते हैं, उसका प्राइस भी 200-300 रुपये ही रहता है. एनसेल का मैंने सिटी में पे किया था 200 रुपीज़, एंड देन एडिशनल जो रिचार्ज का है वो अलग है. बॉर्डर पर अगर आपको 500 रुपीज़ में सब कुछ मिल रहा है तो आप करा सकते हैं. दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि सिम जो है यहाँ पर वो इंडिया की तरह नहीं है कि एयरटेल और जियो के जो प्लान्स हैं आपको 1.5 GB पर डे मिल रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपको 20 GB, 10 GB, 15 GB के ऐसे प्लान मिलेंगे और वही आपको प्रॉपर यूज़ करना होगा. होल मंथ, 7 डेज, 10 डेज, अलग अलग प्लान हैं, आप उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं. तो ये तो बात हो गई सिम एंड करेंसी एक्सचेंज की. जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि कैसे आप जर्नी करें. मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप मॉनसून सीज़न में आ रहे हैं तो डे टाइम पे ही जर्नी करें, रात में बिल्कुल मत करें. और बस बहुत अवेलेबल है, लोकल बसेस अवेलेबल हैं हर 30 मिनट्स पर. सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जर्नी करना चाहते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी सेफ्टी की तरफ जाइए. मैंने मिनी टैक्सी लिया था एसी वाली, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 1000 रुपीज़, एंड अगर आप बस जाएंगे तो बस थोड़ा सस्ता है, बस आपको 300-400 मिलेगा, बट बहुत अनकंफर्टेबल होगा, बहुत अनसेफ है. सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ चाहिए, अच्छी या तो बस लीजिए या फिर टैक्सी लीजिए, फास्ट आप आएंगे और सेफ्टी भी रहेगा. तो अगर आप काठमांडू जा रहे हैं बॉर्डर से या पोखरा आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं नेपाल में, कहीं भी आपको बॉर्डर क्रॉस करते ही बस और टैक्सी मिल जाएगी. सो नाउ द नेक्स्ट मेन पॉइंट इज़ हाउ एक्सपेंसिव इज़ नेपाल. सो मैं यहाँ पर पिछले कई वीक से हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई फेल्ट लाइक कि नेपाल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. करेंसी के मामले अगर मैं बात करूँ तो इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो 1 Indian rupees यू विल गेट 1.5 नेपाली रुपीज़. सो आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं. सेकेंड कि जो नेपाल है उसकी इकॉनमी बहुत हद तक डिपेंड है टूरिज़म पर भी. सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली में एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. सो इफ़ यू आर इन नेपाल, थोड़ा सा आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा. और यहाँ के मार्केट में, यहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, बट आपको मेजर इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे. तो वो जो यहाँ पर आकर जो इनका कॉस्ट होता है वो डबल हो जाता है प्राइस. सो आई फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट मैनेजेबल है. सो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि मैं आपको उसमें मार्केट दिखाऊंगा पोखरा का, रेस्टोरेंट्स लेके जाऊंगा. सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा. सो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या रेट्स होंगे और क्या कितना एक्सपेंस आएगा अगर नेपाल आएंगे तो. उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ. नाउ
बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि वाई आई एम इन नेपाल. सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पर मैं हूँ. सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम. लेट मी टेक यू. सो आई एम इन पोखरा नेपाल एंड अगले कुछ महीने मैं यहीं रहने वाला हूँ. आई एम हेयर एज अ योगा टीचर और Mukti Yoga Retreat. So I'm gonna take you and I'll show you around. So कुछ इस तरह का place है ये. So जो जहाँ पर मैं हूँ ये है mountain और जो पोखरा city है वो यहाँ से ट्रैक करके नीचे जाना पड़ता है अराउंड 100 किलोमीटर. एक रोड इस तरफ से है एंड एक रोड इस तरफ से है. मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में लेकर जाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कितनी इंटरेस्टिंग जगह पे मैं रह रहा हूँ. बट यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द होल प्लेस. एंड आई एम हेयर एज अ योगा टीचर. सो मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी पैक्ड है बट आई ट्राई टू शो यू अराउंड. आई ट्राई टू डू सम एडवेंचर ऑल्सो हेयर. एंड दिस इज़ अवर डाइनिंग एरिया एंड दिस इज़ द व्यू. सो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है फीवा लेक. पोखरा लेक भी कहते हैं इसे, फीवा लेक भी कहते हैं. और ये जो आप स्ट्रेच देख रहे हैं माउंटेन का, यहाँ पर है शिवा स्टैचू जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है पोखरा में, वन ऑफ द फेमस प्लेस है. एंड देन द सेकेंड जो स्पॉट है यहाँ पर वो है स्तूपा. एंड देन ये जो आप देख रहे हैं ये लेक है, इसके अराउंड सारे टूरिस्टिक एरियाज़ हैं, रेस्टोरेंट, कैफ़े, क्लब, मार्केट, एवरीथिंग यू विल गेट हेयर. ये रूट नीचे जाता है एंड देन सून आई एम गोना टेक यू देयर. और नेक्स्ट वाला जो व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको मार्केट लेके जाऊंगा, मार्केट दिखाऊंगा, रेस्टोरेंट्स दिखाऊंगा, कितना एक्सपेंसिव है, क्या बजट होना चाहिए अगर आप पोखरा आ रहे हैं, कौन सा बेस्ट टाइम है पोखरा का, अभी जो टाइम है वो सीज़न में है या नहीं है. एवरीथिंग आई एम गोना टेक यू देयर, आई एम गोना शो यू देयर. इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू नेपाल, आई एम डैम श्योर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू. सो मेरा प्लान जो यही है कि मैं अगले कुछ व्लॉग्स आपको अपना प्लेस जहाँ पर मैं हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ एंड पोखरा घुमाऊँगा. कुछ एक्टिविटीज़ हैं लिस्ट में जो उन्हें करना है और वो वीडियोज भी ज़रूर आएंगी, जल्दी आएंगी.